बच्चों कैसे हैं आप? आइए आज हम फर्स्ट क्लास ईवीएस सब्जेक्ट का छठा चैप्टर लेते हैं, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। वर्ल्ड का मतलब दुनिया, संसार, ऑफ मीन्स का, प्लांट्स मीन्स पौधे, यानी पौधों की दुनिया। आइए देखते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन मीन्स क्या होता है? हरे। प्लांट्स पौधे, यानी हरे पौधे। आपने देखे होंगे आपके आस पड़ोस में हरे पौधे, घर में भी होते हैं छोटे छोटे। मेक देयर ओन फूड, मेक मीन्स बनाते हैं, देयर मीन्स अपना, ओन, देयर ओन मीन्स अपना, उनका अपना, ओन मीन्स अपना फूड, भोजन। प्लांट्स हेल्प टू क्लीन एयर, प्लांट्स होते हैं हेल्प करते हैं, मदद करते हैं टू क्लीन एयर, हवा को साफ करने में। प्लांट्स ग्रो, पौधे हैं जो उगते हैं, ग्रो मीन्स उगना, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट मीन्स ज़्यादातर, एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? हर जगह। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर, प्लांट्स जो होते हैं वे डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न साइज, आकार, शेप, आकृति और कलर के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की टाइप्स यानी किस्में, आइए देखते हैं। ट्रीज, हम सबसे पहले पेड़ देखेंगे। आपने अपने आस पड़ोस में या स्कूल में बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं तीन पेड़। सम प्लांट्स, सम मीन्स कुछ, प्लांट मीन्स पौधे, आर वेरी बिग यानी बहुत बड़े होते हैं, वेरी मीन्स बहुत, बिग मीन्स बड़े, एंड, एंड मीन्स और, स्ट्रांग और मजबूत होते हैं। आप क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे हो इसलिए मैं एक एक वर्ड का मीनिंग भी साथ साथ बता रहा हूं। दे आर कॉल्ड ट्रीज, वे हैं जो पुकारे जाते हैं, कहे जाते हैं ट्रीज, उन्हें क्या कहते हैं? पेड़। आइए देखते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो ट्री देखा होगा आपने, नीम, नीम का पेड़ देखा होगा आपने, एंड और बनियान, बनियान होता है बरगद का पेड़, आर द एग्जाम्पल्स, ये उदाहरण है ऑफ ह्यूज ट्रीज, ह्यूज मीन्स विशाल या बड़े बड़े ट्रीज के, पेड़ों के। दे लीव फॉर मैनी ईयर्स, यानी वे रहते हैं बहुत साल के लिए, जैसे हम होते हैं तो कोई 100 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतुओं की अपनी एज होती है, ऐसे ही ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं बहुत बहुत साल तक, हजारों हजारों साल तक होते हैं बहुत से पेड़ तो। ये आपको पिक्चर में मैंगो ट्री दिखाई दे रहा है, ये नीम ट्री है और ये बनियान ट्री है। टाइम टू थिंक, बनियान ट्री इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, ये याद रखे सभी बच्चे। आइए अब आगे चलते हैं। ये नाम हो गए, ये मैंगो ट्री हो गया, ये नीम ट्री हो गया और ये बनियान ट्री हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। सर्ब्स, सर्ब्स होती हैं झाड़ियाँ, झाड़ियों की तरह के जो होते हैं उन्हें सर्ब्स कहते हैं। जैसे ये देखो आपको रोज दिखाई दे रहा है गुलाब, और ये गुलाब का सर्ब है। ये टोमेटो है और यहाँ पर ये ब्रिंजल। सम प्लांट्स,
कुछ पौधे आर स्मॉल, वे छोटे हैं, स्मॉल मीन्स छोटे, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, बूसी, लेकिन वे झाड़ीदार होते हैं, दे हैव हार्ड वुडी स्टेम, उनका जो स्टेम होता है, तना होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, और वुडी मीन्स लकड़ी का है, तना तो लकड़ी का ही होगा, स्टेम्स मीन्स तने, जैसे ये इनके तने हैं, ये इनके वुडी तने जो बड़े हार्ड हैं। दे आर कॉल्ड सर्ब्स, इनको सर्ब्स कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं, जैसे रोज अर्थात गुलाब, टोमेटो एंड ब्रिंजल और बैंगन, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, आर द सर्ब्स, ये क्या है सब, सर्ब्स हैं, क्या है ये पौधे, सर्ब्स, और भी बहुत सारे होते हैं, वे आप अपने स्वयं खोजने की कोशिश करें। दे लीव फॉर मोर देन वन ईयर, और ये होते हैं जो एक साल से थोड़ा सा ही ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। हर्ब्स, अब हर्ब्स देखते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं। सम प्लांट्स, कुछ पौधे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं साइज में, आकार में, दे हैव ग्रीन स्टेम, और उनके जो स्टेम होते हैं ग्रीन होते हैं, हरे हरे तने होते हैं, दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उनको हर्ब्स बोलते हैं, जड़ी बूटियाँ बोलते हैं, जैसे तुलसी, तुलसी का पौधा आपने घर में देखा होगा, सनफ्लावर्स, सूर्यमुखी का फूल एंड ग्रास आर हर्ब्स, ये सब हर्ब्स हैं, दे लिव ओनली फॉर वन सीजन, और ये एक सीजन के लिए ही रहते हैं। सनफ्लावर जो है टर्न्स यानी मुड़ जाता है टुवार्ड्स सन, सूर्य की तरफ मुड़ जाता है, अब पता चला आपको इसको सनफ्लावर क्यों कहते हैं, ये देखो, और ये तुलसी है, और ये घास टाइप के हैं। आइए अब आगे चलते हैं, ये तुलसी हो गई, ये सनफ्लावर, और ये ग्रास। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होती है, ये एक प्रकार की बेल होती है, जो बिल्कुल ही कमजोर तरह की होती है, ये अपने वजन पे रुक नहीं सकती, तो इनको सहारा देके ऊपर को ले जाया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे ये देखो क्लाइंबर, एक ये डंडी लगी हुई है और इसके ऊपर से ये लिपटी हुई सी ऐसे जा रही है, ऐसे ये देखो इसे। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक ग्रीन स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही कमजोर, वीक मीन्स कमजोर, और हरा स्टेम होता है, तना होता है, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वे स्टैंड नहीं कर पाते हैं, खड़ा नहीं हो पाते स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा, दे नीड, उन्हें जरूरत होती है सपोर्ट, सहारे की, टू क्लाइंब अप, ऊपर को चढ़ने के लिए, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, तो उनको क्लाइंबर्स कहते हैं, जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा घर में, एंड पी प्लांट्स आर द क्लाइंबर्स, ये सब क्या है, क्लाइंबर्स है, दे लीव ओनली फॉर वन ईयर, और ये कितने दिन के लिए रहते हैं, एक वर्ष के लिए। ये आपको मनी प्लांट का पौधा दिखाई दिया जो कि हर्ब्स है, और ये क्लाइंबर्स है, सॉरी क्लाइंबर्स है, और पी प्लांट, और ये पी प्लांट का है। ये क्वेश्चन स्वयं करना है, हाउ लॉन्ग एन एप्पल ट्री लीव्स, तो संकेत कर देते हैं, यदि ठीक से देखभाल की जाए तो 50 से 80 वर्ष तक होता है ये लीव करता है, और ये आप घर पर अपने माता पिता की मदद से करेंगे।
क्रीपर्स, क्रीप मीन्स क्या होता है, रेंगना, तो ऐसे लगता है कि रेंगते हुए से चलते हैं ये, ये भी बेल है क्रीपर्स। सम वीक प्लांट्स, कुछ कमजोर प्लांट्स पौधे, दैट क्रीप, जो रेंगते हैं अलोंग द ग्राउंड, धरती के साथ साथ यानी नीचे नीचे चलते हैं ये, आर कॉल्ड क्रीपर्स, तो इनको क्रीपर्स कहते हैं। जैसे वाटरमेलन, आपने खाया होगा वाटरमेलन तरबूज, एंड पंपकिन, और पंपकिन ये होता है कद्दू, आर द क्रीपर्स, ये क्या है, क्रीपर्स है। कैक्टस, कैक्टस क्या होता है, ये नागफनी का पौधा होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स क्या होते हैं, कांटे, जैसे देखो छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं इनमें। एनिमल्स कैन नॉट ईट देम, जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वे इनको खा नहीं सकते हैं। दे आर ग्रोन इन द डेजर्ट एरिया, ये जो ग्रोन करते हैं, उगते हैं कहाँ पे, रेगिस्तानी एरिया में, डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान, सो इसलिए दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स, इनको डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं, और अथवा थॉर्नी प्लांट्स, यानी थॉर्नी मीन्स कांटेदार, यानी कांटेदार प्लांट्स। कैक्टस एंड प्रिकली पियर हैव थॉर्नी स्टेम्स, जो कैक्टस है और प्रिकली पियर से इनके कैसे होते हैं, थॉर्नी स्टेम्स, थॉर्नी मीन्स कांटेदार, स्टेम्स मीन्स तने। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे बूसी मीन्स ग्रोइंग थिकली, जो इकट्ठा झाड़ी की तरह उगता है उसको बोलते हैं बूसी, झाड़ीदार जैसे। क्रीप, इट मीन्स मूव स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे चलता है और चुपके से चलता है। क्रीप यानी रेंगना, एक प्रकार से रेंगता है। लेट अस रिकॉल, आओ स्मरण करें, आपने क्या क्या सीखा। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स है वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बहुत बड़े और ताकतवर मजबूत प्लांट्स होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं। सर्ब्स आर स्मॉल वुडी स्टेम्ड प्लांट्स, और जो सर्ब्स होती हैं झाड़ियाँ, वो स्मॉल वुडी स्टेम्ड प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल ग्रीन स्टेम्ड प्लांट्स, और जो हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियाँ, उनके हरे हरे स्टेम होते हैं। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट, और जो बेल होती है क्लाइंबर, जो ऊपर को जाती है, उसे सहारे की जरूरत होती है टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा होने के लिए। क्रीपर्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, और जो क्रीपर वाली बेल होती है, रेंगने वाली, नीचे नीचे चलती है, बस ग्राउंड के साथ साथ चलती है। बिकॉज, क्योंकि देयर स्टेम्स, जो उनके तने होते हैं, आर वेरी वीक, बहुत कमजोर होते हैं। डेजर्ट प्लांट्स हैव थॉर्न्स, और जो रेगिस्तानी प्लांट्स होते हैं उनमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।